पिछले 20 सालों में दिल्ली के विकास में मेट्रो का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजधानी में जब धूल खाते पैसेंजर्स जब एसी मेट्रो में चढ़े तो इसके दीवाने हो गए और धीरे धीरे मेट्रो भी दिल्ली वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। मेट्रो ने दिल्ली एनसीआर को ही नहीं बल्कि देश को भी एक नई पहचान देने का काम किया है। मेट्रो के इसी सफर की कहानी, खूबियों और विस्तार की दास्तां को अब यात्री मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर में देख सकेंगे। दरअसल सरकार एक अनोखा नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर बनाने जा रही है, जो मेट्रो के विकास के दौरान की चुनौतियों से लेकर मेट्रो के ड्राइवरलेस होने तक का सफर बताएगी। इसके लिए डीएमआरसी ने कंपनी की तलाश भी शुरू कर दी है, जिन्हें अगले महीने तक यह जिम्मा सौंपा जाएगा। इस नॉलेज सेंटर में दिल्ली समेत देश भर के मेट्रो की खास जानकारियां मिलेंगी। इसमें आधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर प्रदर्शनी, ग्राफिक्स, फोटोग्राफ और विभिन्न मॉडल्स के साथ साथ प्रदर्शन के भी काफी सैंपल होंगे। बता दें कि डीएमआरसी के इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया जाएगा। इसमें साझेदार कंपनी पैसा लगाएगी और निर्माण करने के बाद इसे चलाएगी। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क देश में सबसे बड़ा होने की वजह से यह मुख्य केंद्र भी होगा। वहीं ये नॉलेज सेंटर येलो लाइन के विश्वविद्यालय सेंटर के पास 46 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका एजुकेशनल हब है। इसलिए ये पर्यटकों के साथ साथ छात्रों और टीचर्स के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये नॉलेज सेंटर 2 मंजिला होगा, जिसमें स्क्रीनिंग फैसिलिटी, ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ आने वाले व्यूअर्स के लिए कैफेटेरिया और एक अंडरग्राउंड पार्किंग भी होगी। उम्मीद ये भी है कि आने वाले दिनों में मेट्रो का म्यूजियम भी यहीं शिफ्ट होगा, जो फिलहाल पटेल चौक में है।